Assalamualaikum guys, exercise 12.3 start करते हैं. Exercise 12.3 सारी word problem है, ठीक है. इसमें statements होंगी, उस हिसाब से statement को read out करते हुए हमें साथ साथ figures बनानी होंगी. So conceptual आपके पास statements आएंगी तो figures लाजमी साथ साथ बना लो, ताकि जब आप इसको solve करो तो figure को देखते हुए easily आप solve कर लो. Must be है, ठीक है, और आपके लिए भी आसानी है. और दूसरी जो चीज है कि अब जो इसमें दो चीजें मैंने बतानी है, पहले मैं वो बता देता हूँ, देन उनकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. सो ये हमारे पास आ जाएगा लाइन ऑफ साइट, कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई है, ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ साइट होगा. अगर हम स्ट्रेट देख रहे हैं बिल्कुल, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है बिल्कुल स्ट्रेट. अब कहते हैं कि इस लाइन ऑफ साइट से अगर हम ऊपर किसी चीज को देखते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है, सन है. सन को अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर की तरफ अगर आप किसी चीज को व्यू कर रहे हो लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. इसे हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन. और नीचे अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, अपना लाइन ऑफ साइट से नीचे किसी को देख रहे हो, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो और नीचे आप किसी चुनटी को, कॉकरोच या किसी चीज को भी देख रहे हो नीचे की तरफ, तो वो हमारे पास जो एंगल बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो वो हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है. अब यही चीजें हम आगे यूज करेंगे, एंगल ऑफ, कहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेगा, कहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेगा. डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको देखते हैं. तो इनको करने का बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आप स्टेटमेंट रीड करो साथ साथ उसकी फिगर भी बनाते हो. सो इसको इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर कर देता हूँ. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी, फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी, जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ चलते हैं और साथ साथ उसकी फिगर बना लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई. सो कहता है कि एक वर्टिकल पोल है, उसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 8 मीटर्स. और नेक्स्ट वो कहता है कि आगे एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर्स. जो लेंथ ऑफ द शैडो है वो हमारे पास 6 मीटर. सो ये हमारे पास कितना आ गया, 6 मीटर. अब वो नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट. सो कहता है कि सन की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगी. फॉर एग्जांपल सन अगर यहां पे है, पोल पे जब इसकी सन रेस पड़ती हैं तो ये शैडो बनाता है, उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर्स है और जो हाइट ऑफ द पोल है वो 8 मीटर्स है. इसको आप लेबल कर सकते हो अपनी मर्जी से. इसको मैं कह देता हूं ये ए बी सी आ जाएगा, ठीक है. और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगा, जो कि हम उसको मैं नाम दे देता हूँ थीटा. अल्फा भी लेबल कर सकते हो. सो यहाँ पे मैंने उसको नाम दे दिया थीटा. और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में आ गया ये. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब ऐसा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है कि जिसकी हेल्प से हम थीटा फाइंड आउट कर ले, और इस थीटा को एज अ रेफरेंस एंगल के तौर पर ले रहे हैं, यही हम बेसिकली फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा या कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जिसमें हमारे पास जब एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों के दोनों साइड्स हमारे पास गिवन होनी चाहिए. वो हमारे पास बीसी है और एबी है. सो मैं यहां पे लिखूंगा तुम्हारे पास हाइट ऑफ पोल, वो हमारे पास क्या है, बीसी. और उसकी जो लेंथ है जिसको मैंने एच कहा है वो हमारे पास कितना है, 8 मीटर्स. इस शैडो की जो हमारे पास लेंथ है उसको मैं स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, शैडो ऑफ पोल वो हमारे पास कितना है, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, जिसको मैं कह देता हूं वो हमारे पास ए बी है. और इसको मैं नाम दे दिया है, एस लेबल कर दिया है, तो ये हमारे पास कितनी है, वो 6 मीटर्स है. सो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने कहा है वो है थीटा. तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैं यूज कर रहा हूं तो वो हमारे पास आ जाएगा tan, बिकॉज अगर थीटा को मैं यानी पता है कि थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा के हिसाब से ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगी. सो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है जिसमें दोनों साइड गिवन हो, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, तो वो tan की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे. बिकॉज tan हमारे पास जनरली किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, h, और बेस हमारे पास क्या है, s. सो tan थीटा, हाइट जो है पोल की वो हमारे पास 8 है, शैडो की जो लेंथ है वो हमारे पास 6 है. अब यहाँ पे जो नेमिंग मैंने दी है वो आप डिफरेंट कर सकते हो, वो नो प्रॉब्लम, कोई भी आप नाम दे सकते हो, नो इश्यू. लेकिन जो भी आप यहाँ पे लेबलिंग करोगे, जो नेमिंग करोगे, वही आपने फिर आगे यूज करनी है.
सो थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो टेन हमारे पास इधर आ गया, टेन इनवर्स 8/6। वैसे इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, और वंस अगेन आपने थीटा जो भी एंगल आएगा उसको डिग्री मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में लिखना है। तो लाजमी ये जो मैंने जो आपको बटन एक बताया था जो कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर हर साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है, ये बबल साइन कॉमा एंड डबल कॉमा वाला ये एंड में आपने प्रेस करना है। तो सबसे ये एक ही स्टेप पे करना है, 4/3 किया पॉइंट्स पे हमारे पास आ गया ठीक है, इसका शिफ्ट दबा के 10 प्रेस किया तो 10 इनवर्स आ जाएगा जो भी वैल्यू थी हमारे पास, और ये पॉइंट्स में हमारे पास अभी इसका जो एंगल है उसकी वैल्यू आ गई है। सो आपने जस्ट ये बटन प्रेस करोगे बबल वाला, बबल कॉमा एंड डबल कॉमास वाला, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी वो डिग्री 53°7′48.37 है। 48 के पॉइंट के बाद आपने कोई वैल्यू नहीं लिखी, वही हमारे पास क्या देगा पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है हमारे पास सेकंड ज्यादा होगी। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या था एंगल ऑफ एलिवेशन था। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। सॉरी सो फिर इंशाल्लाह ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो कहीं भी कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो। सो इंशाल्लाह इसी से स्मूथली मूव करते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।